मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास फर्स्ट का फर्स्ट लेसन देखेंगे। लेसन का नाम है कंप्यूटर स्मार्ट मशीन। आज हम लोग स्मार्ट मशीन के बारे में पढ़ेंगे। मशीन होती क्या है? ऐसी डिवाइस जो हमारे कार्यों को आसान और फास्ट करे, वह क्या है? मशीन है। अब जो हमारे कार्यों को ईजी और फास्ट बनाए वह मशीन है। अब हम लोग कुछ मशीनों के बारे में देखते हैं, कुछ मशीन देखते हैं, जैसे साइकिल हो गया, बाइक हो गई, टेलीविजन हो गया और कार हो गई, मोबाइल हो गया, फैन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया। ये सब क्या है? ये सब हमारे कार्यों को आसान बना देती है, इसलिए ये मशीन है। अब जैसे साइकिल है, साइकिल भी एक मशीन है जो कि हमारे कार्यों को आसान बनाती है। जैसे आप घर से स्कूल आते हैं तो आपको आने आ जाने में ज़्यादा एनर्जी लगती है, तो साइकिल की सहायता से आप लोग आसानी से और तेजी से स्कूल से घर आ जा सकते हैं। यह क्या है? ये हमारी मशीन है। और जैसे वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन जैसे हम लोग घर के कपड़े को बहुत कठिनाई से धोते थे, अब मशीन की सहायता से उसको आसानी से कर लेते हैं। टेलीफोन है, लेटर लिखते थे, चिट्ठी लिखते थे तो वहाँ पे जाके पोस्ट ऑफिस में देते थे, उसके बाद कितने दिनों बाद वहाँ पहुँचता था। और टेलीफोन की वजह से हम लोग तुरंत फोन बात कर लेते हैं। यह क्या है? यह एक मशीन है, क्योंकि हमारे कार्य इससे आसान होता गया, फास्ट होता गया। अब हम इसके टाइप्स देख लेते हैं। वो मशीन जो ह्यूमन पावर से चलती है वो ह्यूमन पावर यूज मशीन होती है, और दूसरा फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली मशीन। अब हम लोग ह्यूमन पावर यूज मशीन को देखेंगे, जैसे हो गया साइकिल हो गया, और सीजर हो गया, स्टेपलर हो गया और हैंडपंप हो गया। साइकिल भी एक प्रकार की मशीन है जो ह्यूमन पावर से कार्य करती है, या पैरों की एनर्जी से चलती है, और सीजर या हाथों की एनर्जी से चलती है। अपने हाथों की एनर्जी लगाते हैं तो सीजर कार्य करता है, और उसके बाद स्टेपलर को भी हम लोग अपने हाथों की एनर्जी लगाते हैं तो स्टेपलर कार्य करता है, और हैंडपम्प, आप सबके भी घरों में हैंडपम्प होगा, आप लोग अपने हाथों की एनर्जी लगा के हैंडपम्प को चलाते हैं तो पानी निकलता है, तो आसान हुआ ना। अब इधर है फ्यूल या इलेक्ट्रिसिटी। फ्यूल या इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली मशीन, जैसे बाइक हो गई, बाइक में हम लोग पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल से बाइक चलती है। फैन हो गया, फैन क्या है? यह बिजली से चलती है, तो आसानी से हम लोग स्विच को ऑन कर लेते हैं, आसानी से हम लोग बैठ के नीचे हवा को लेते हैं। और अगला है कार यह भी एक प्रकार की फ्यूल मशीन है, जिसमें हम लोग पेट्रोल या डीजल डालते हैं, तो कहीं पे भी जाना रहता है तो आसानी से उसमें बैठ के चले जाते हैं। और टेलीविज़न हो गई, आप सबके भी घरों में टेलीविज़न होगा। यह कैसे कार्य करती है? यह इलेक्ट्रिसिटी से कार्य करती है, बिजली से कार्य करती है। हम लोग टाइम पास करने के लिए इसके सामने बैठ के आराम से इसको देख लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं कंप्यूटर के बारे में हम लोग देखेंगे। कंप्यूटर भी एक प्रकार की मशीन है, यह भी हमारे कार्यों को आसान और तेज बनाती है। अब कंप्यूटर में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? कैलकुलेशन कर सकते हैं, मूवी को देख सकते हैं, ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, और साउंड को भी कंप्यूटर से सुन सकते हैं आसानी से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो कंप्यूटर कार्य करता है तो मनुष्य भी कर सकते हैं, मैन भी कर सकते हैं ये सब कार्य। तो हम लोग कंप्यूटर और मैन के बीच का डिफरेंस देखेंगे। इधर मैन है, इधर कंप्यूटर। मैन के अंदर, मनुष्य के अंदर फीलिंग होती है, जब हो सकता है, हंस सकता है, बोल सकता है, गुस्सा कर सकता है, पर कंप्यूटर ये सब नहीं कर सकता क्योंकि इसमें फीलिंग नहीं होती। और मैन मिस्टेक्स कर सकता है, कोई भी कार्य करते करते जब मिस्टेक कर सकता है, और कंप्यूटर ऐसा कुछ नहीं करता, यह कभी मिस्टेक कर ही नहीं सकता। मैन कोई भी कार्य करते करते थक जाता है, कोई कंप्यूटर कोई भी कार्य को आसानी से या तेज से कर सकते हैं बिना थके हुए, बिना बोल हुए। और आदमी या मनुष्य कोई भी कार्य एक ही कार्य बार बार करते करते जब बोर होने लगता है।